नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं अजीत जी? जी सर, मैं कैसे हैं अच्छा हूँ आप? सर। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया सर। साउंड क्लियर है? जी हाँ सर, सर, चलिए बहुत बढ़िया। रोशन जी कैसे हैं? बहुत अच्छा सर। आप कैसे रोशन जी हैं? मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है वेबसाइट पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। काम सर फंसा हुआ हूँ मैं, आपकी जरूरत है अभी। मेरा पेज होम पेज में चेंज ही नहीं हो रहा है। जरूर अभी बात करेंगे। मोहम्मद जी कैसे हैं आप? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया सर, गुड आप इवनिंग बताएं मोहम्मद सर। जी, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत थैंक बढ़िया। यू। सलमान कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, आई एम गुड, थैंक यू। परफेक्ट। सो मैं आपको बता दूं, अजीत पाल जी, सलमान एंड रोहित, अजीत जी सर आपको तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। मोहम्मद, सलमान एंड रोहित, आप दोनों को IADM शॉप पे अकाउंट बनाने की जरूरत है। टिल द टाइम जब तक जी आप जी अकाउंट नहीं बनाएंगे सर, वो एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा सर, वो हमें बनाना पड़ेगा खुद से? जी, सबसे पहले सर आपको, क्योंकि डोमेन का रजिस्टर सर ओनर तो आप ही बनना चाहते हैं ना, जी जी बिल्कुल ना? बिल्कुल फिर तो बात तो वही रह जाएगी सर, खरीद दो, हमारी टीम लगी और हमारी टीम भी ओनर बन जाएगी, तो फिर आपका पैसा देने का फायदा क्या हुआ? जी तो सर, जी सर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस दिन रोशन मेहरा जी ने शायद किया था, आप लोगों ने शायद वो मिस कर दिया। सलमान का मेरे पास हाँ मैंने मैसेज आया किया था कि सर, हमारी मैं उसी दिन कब कर लाइव होगी, आई वॉज जस्ट चेकिंग इट आउट। तो सलमान, जब तक यू विल नॉट फिल अप द फॉर्म, जब तक यू विल नॉट गो टू द वेबसाइट एंड क्रिएट एन अकाउंट, वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो रोहित फटाफट अपनी स्क्रीन को शेयर करें एंड आई विल हेल्प यू कि अभी लाइव हम आपके अकाउंट को कॉन्फिगर करेंगे। आज सेशन में हम अकाउंट को जी। कॉन्फिगर कर लेते हैं। मैं अभी रोहित के लिए काम करूंगा और उसके बाद जी सलमान सर, आप अपने एंड पे इसको करेंगे रजिस्ट्रेशन, सेम प्रोसेस जो हम रोहित के लिए कर रहे हैं। और जब तक आप लोग ये करेंगे तब तक हम रोशन जी की वेबसाइट में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है उस बीच में। चलिए रोहित, अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं? जी सर करता हूँ सर, शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। रोशन जी थोड़ा सा आइडिया दीजिए सर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, सर एक्चुअली क्या है, मैंने होम पेज सेट किया, मैंने दो डीबी में जाके वो लाइब्रेरी से लेके किया था, तो जब होम पेज सेट कर रहा हूँ तो वो होम पेज में सेट ही नहीं हो रहा है, वो दूसरा पेज ही खुले जा रहा है बार बार, तो पेज होम पेज में आ ही नहीं आप रहा कह रहे हैं सर, जो आपका जो होम पेज है वो होम पेज जो हाँ। आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए अपना एक प्रॉब्लम और है, मेरे ख्याल से मेरा होम पेज बहुत बड़ा हो गया है, उसमें शायद दो तीन पेज ऐड हो गए फुटर उटर को लेकर, बॉडी को लेकर, सर शायद मैंने कहीं गलती की है, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ सर, उसको भी देखेंगे। सर शेयर हो गया सर? सर IADMshop.com पे आप गए? हाँ सर, सर आपको दिख रहा है ना सर? एरर वाला हटाइए, कर लेता हूँ सर। कभी कभी क्या होता है कि टीम अपने सिस्टम पे काम कर रही होती है, कुछ होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमेशा चलते रहते हैं। सो एक बार लेट मी चेक कि अगर हमारे एंड से कोई अभी इशू चल रहा है, नहीं चल रहा है। ओके ओके सर, नो एवरीथिंग इज लाइव सर। आप IADMshop.com पे सिंपल जाइए सर। लेट मी कंट्रोल द स्क्रीन। सर यहाँ पर आपको सबसे पहले डोमेन्स पे जाना है, अपने डोमेन को फाइंड कीजिए सर यहाँ से। जी सलमान प्लीज लुक इनटू दिस, आपको ये काम अभी करना है। टिल द टाइम यू डू नॉट डू दिस सर, आपका अकाउंट लाइव नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई वांट यू टू बी द ओनर ऑफ योर डोमेन। यस सर, आई विल डू इट। जी सलमान, यू कैन डू द सेम थिंग ऑन योर एंड। चेकआउट पे क्लिक कीजिए सर, क्लिक ऑन चेकआउट सर। उस पे नहीं, उस पे चेकआउट पे नहीं, राइट हैंड साइड पे देखिए, ईमेल सिस्टम को ऐड कर रहे हैं। सर अब बैक करूं क्या? सर मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ सर। ओके सॉरी सर, मुझे लग रहा है ज्यादा पैसे हो गए हैं सर आपके पास। नहीं
सस्ता मिल रहा है फिर भी महंगा खरीदना है। चलिए सर यहाँ पे अपना डोमेन नेम टाइप कर लीजिए। जी सर। ओके सर्च आगे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ सर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेलेक्ट। ठीक है सर। ओके और ये देखिए राइट हैंड साइड में चेकआउट का ऑप्शन आ गया। ऑलराइट चेकआउट पे आपको क्लिक करना है। जी 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 चेकआउट पे क्लिक हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है आप लोग के पैकेज में अमाउंट इन्वॉल्व है, बट अगर आप GoDaddy या किसी भी दूसरे डोमेन प्रोवाइडर से इसको कंपेयर करेंगे तो हो सकता है वो आपको फ्रंट एंड में मतलब पहले साल में वो आपको डिस्काउंट दे दे लेकिन नेक्स्ट ईयर में उसका डबल आपसे काट लेंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं रहता है। बट यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। सो यहाँ पर देखिए सर ये 8 अमाउंट बन गया। यू डोंट नीड टू पे फॉर दिस। यहाँ पे अपना अकाउंट फटाफट क्रिएट कर लीजिए। जी सर। Salman, are you repeating the same process on your end or we need to take your remote session to guide you? No, sir, I'll do it myself. Okay. You're doing it right now? Yes, sir, I'm doing it right now. Perfect. Okay, sir. ये डोमेन जब आपका डोमेन रजिस्टर हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट जल जाएगी सर इसके ऊपर। ओके सर। ओके सर। और जैसे ही ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है देन आपको कुछ भी नहीं करना है, ये प्रोसेस ऑन हो जाएगा सर। ठीक है, ये प्रोसेस ऑन हो जाएगा। यहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन है। ये प्रोसेस अभी मैं आपके सामने अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये ठीक है सर, एक्टिवेट हो जाएगा। सलमान व्हाट अबाउट यू, डन हो गया? यस सर, आई क्रिएटेड द अकाउंट एंड आई वेंट टू ऑफलाइन पेमेंट। Okay, perfect. Let me check. Salman, यही same process आपको use करना है। अपनी ईमेल के पास देखिए यहाँ पे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। रीसेंट ईमेल पे क्लिक कर दीजिए। रीसेंट ईमेल। ओके सर, अब आपके पास एक ईमेल गई होगी फॉर वेरिफिकेशन। प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक फॉर वेरिफिकेशन। रोशन, आपके पास भी अगर ईमेल गई होगी वेरिफिकेशन की, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको कर दिया मैंने सर। बहुत बढ़िया। बिकॉज अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो 28 डेज में अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सर अभी मेल नहीं आया मेरे पास। कोई बात नहीं सर, वो अपने आप आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कर दीजिएगा। सलमान लुक इनटू द स्क्रीन। ठीक है सर। एंड अभी रोहित आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम सर्वर्स पे क्लिक कीजिए। नेम सर्वर, सर चाइल्ड नेम सर्वर नहीं सर, नेम सर्वर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके 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 दिख गया सर। ओके ओके sir, from the home page where do I go? Let me know. Sorry, from the home page where do you go? Okay. So aapko karna kya hai, we'll repeat the process for Salman. Salman, you need to go to manage orders. Sabse pehle agar aap, if you are on the screen, aap wahan pe dekhiye upar top में आप आ रहा होगा वेलकम सलमान या वेलकम मोहम्मद लिखा हुआ आ रहा होगा। क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन आइकन। नो आई एम ऑन। ओके ओके आई विल रिपीट द प्रोसेस फॉर यू। आपको मैनेज ऑर्डर्स पे जाना है। यू गॉट दैट? यस सर, आई गॉट इट। ओके, क्लिक ऑन मैनेज ऑर्डर्स एंड देयर विल बी अ ग्रीन लाइट started blinking in next to your domain. Click on your domain link. Manage orders, all orders. You got that? Okay. Yes, sir. Yes, sir. And you got the same kind of screen on which we are working for Rohit? It's loading, sir. Give me a minute. Okay.
तब तक हम यहाँ चलते हैं. रोहित, नेम सर्वर हमारे सर्वर का जो है वो आपको पता है NS1. अजीत पाल जी, ये काम आपने कर लिया है करेक्ट? जी सर. ठीक है, NS1.iidmshop.com. सलमान, हैव यू रीच टू द स्क्रीन? यस सर, आई हैव रीच्ड. ओके, सो प्लीज अपडेट द नेम सर्वर्स. फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. सर, सेकंड नेम सर्वर में डालिए ns2.iidmshop.com. सर, इज इट द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? नेम सर्वर 1 विल बी ns1, नेम सर्वर 2 विल बी ns2. एंड क्लिक ऑन अपडेट नेम सर्वर्स. दैट्स इट, आपको इतना ही काम करना है. रेस्ट send an email to my team. Sir, it is ns1.iidm. That's it. ns1.iidmshop.com and ns2.iidmshop.com. Okay, sir. The name server details have been successfully updated. Perfect. Wait for a minute. Let me send an email, confirmation email to my team. सर, एक मेल आया है, वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन. सलमान, हैव यू रिसीव्ड आवर मैसेज? चलिए, सो रोहित, अभी काम करेंगे हम. अभी हम होस्टिंग पे लॉगिन करेंगे. एक नया टैब ओपन कीजिए सर. जी, होस्टिंग पे लॉगिन करने के लिए नया टैब ओपन कीजिए और यहाँ पे अपना डोमेन नेम को डालिए :2082. डोमेन नेम डालने के बाद सर, डोमेन नेम डालिए, उसके बाद कोलन डालिए और 2082 डोमेन नेम .com. यस सर, आई गॉट द मैसेज. ओके, परफेक्ट सर. नहीं, ऐसे नहीं सर, डोमेन नेम सर declare.com है ना सर आपका? ओके 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 ओके, यस सर, सॉरी सर. रिपीट द सेम प्रोसेस व्हिच वी आर डूइंग इट फॉर रोहित एंड हिट रिटर्न सर. एंटर प्रेस कर दीजिए. ओके सर. सर, आप सी पैनल में लॉगिन हो चुके हैं. जी सर. यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालिए, जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने आपको दिया हुआ था. कर दिया सर. नाउ आप सेम उसी चीज पे आए हुए हैं जहाँ पहले थे हम लोग. जी. यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए सर. डायरेक्टरी ब्लैंक है, अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए सर. सर कहाँ? यूजर नेम पासवर्ड ये रहा ना सामने, एडमिन एंड पासवर्ड. ये वर्डप्रेस का यूजर नेम. आई एम फीलिंग लाइक कि सलमान के साथ कुछ नेटवर्क इशू है उनके साथ. बट सलमान, अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो में इसको देख रहे हैं, प्लीज रिपीट द सेम स्टेप्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज रीच टू द सपोर्ट लाइन और कॉन्टैक्ट हिमांशु डायरेक्टली. सर ठीक है, बाकी कुछ भी सर, बाकी कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाइए. सर, ये वर्डप्रेस सर कहाँ से डाउनलोड करना है? ऐप में जाना है? इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए. अजीत जी आपके पास आ रहे हैं, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए. जी सर, इसको भी सेव करना सर पासवर्ड? सबको सेव कर लीजिए, पूरी दुनिया सेव कर लीजिए सब. बार बार ये हो रहा है. जी सर, कर दिया मैंने सर. चलिए, इंस्टॉल हो रहा है सर. जी सलमान, आर यू लिसनिंग टू अस? ओके सर, ये हो गया है इंस्टॉल.
अब आप अपने डोमेन को देखिए, दो चीजें हैं अजीत पाल जी आपके पास भी मैं आ रहा हूँ, एंड सर दो चीजें हैं, एक है रोहित जी, जी आपके डोमेन का कंट्रोल पैनल, मतलब वो IIDN शॉप पे जाके ओपन करने वाला, दूसरा है आपका होस्टिंग का कंट्रोल पैनल जो आपका डोमेन :2082, और तीसरा है आपका वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल। क्लियर, तीनों चीजें अलग अलग हैं। जी सर, जी सर, ठीक है। अब यहाँ पर सर आप ये WP एडमिन वाले पे क्लिक करेंगे, ये आप अपने होस्टिंग में लॉगिन कर जाएंगे जी। अब आपको एक काम करना है सर, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है वर्डप्रेस का, ये आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है सर। ठीक है, मैं अभी भेजता हूं पर्सनल व्हाट्सएप पे, सो दैट मैं इस पे डीवी इंस्टॉल करूंगा। अजीत पाल जी अपनी स्क्रीन को रोहित ऑफ कर दीजिए। सलमान इफ यू आर लिसनिंग टू अस, जी सर, सलमान यू देयर? अजीत पाल जी अपनी स्क्रीन को ऑन कीजिए सर, शेयर ऑन कीजिए। सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए स्क्रीन को सर। यहां पे देखिए ऐप इंस्टॉलर आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन, जी सर क्लिक कर दीजिए सर। वर्डप्रेस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए जहां पे एडमिन और पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा सर। पासवर्ड को हाइड नया करना सर, आप यहां जो चाहे वो बना सकते हैं। बनाने के बाद ये यूजर नेम और पासवर्ड मुझे आपको व्हाट्सएप करना है, और मुझे लगता है कि अब रोशन जी आप लोगों को डीवी थोड़ा बताने के कोशिश में लग चुके होंगे, और उनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि दो दिन उनको रिसर्च करने के लिए मिल गए हैं। ऐसा तीन दिन सर डीवी में मजा आ रहा है रोशन जी? मजा आ रहा है लेकिन फंस गया हूं मैं। कोई बात नहीं सर, चलिए यहाँ पर सर वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए और ये यूजर नेम पासवर्ड फटाफट मुझे भेज दीजिए सर। क्या क्लिक करना है सर? यूजर नेम पासवर्ड मुझे भेज दीजिए। इंस्टॉल कहाँ हुआ सर? सर इंस्टॉल हो चुका है जी। यहाँ देखिए ये एडमिन पे लॉगिन कीजिए सर, यहाँ देखिए क्लिक कीजिए सर जी, उस पर क्लिक कीजिए। वर्डप्रेस पे लॉगिन करने का तरीका अजीत पाल जी क्या है? आपका डोमेन नेम /wp-admin यही है ना जी सर? अब ये लॉगिन कर चुके हैं, इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वर्डप्रेस का वो मुझे प्लीज सेंड कर दीजिए। अपने स्क्रीन शेयर को ऑफ कर सकते हैं। रोशन जी के प्रॉब्लम पे चलते हैं जी। खत्म होने के बाद मुझे आप 10 से 15 मिनट देंगे और आपके पास डीवी इंस्टॉल हो जाएगा। रोशन जी अपनी स्क्रीन को शेयर करें और इश्यू दिखाएं हमें क्या है। मैंने ये पेज बनाया है डीवी पे। बहुत बढ़िया, ये वाला ये बनाया है मैंने, थोड़ा चेंजेस किया है उसमें, फोटो वगैरह डाल। ये आपका होम पेज पे नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं आप? ये होम पेज पे नहीं आ रहा है, प्लस ये पेज बहुत बड़ा हो गया है सर। ये पेज देखिए यहाँ खत्म हो गया है, तो छोटा कर देंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ तक ही है पेज जी सर। कोशिश करते हैं अपने डैशबोर्ड पे जाइए सर, बहुत ध्यान से देखिएगा रोहित जी, आप लोग भी ध्यान से देखिए जी सर। तो डैशबोर्ड पे जाइए सर और सेटिंग पे जाइए एंड रीडिंग पे जाइए सर, और पेज का नाम रोशन जी क्या था? होम था, होम था, लेकिन यहाँ होम सर मैंने किया था लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। स्टार्ट है ना सर, मैंने इसको वहां पे सर होम क्लिक कीजिए। तो
जब तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होगी प्लीज डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट। मैंने कर दिया, इतना जरूरी है, आप लोगों को पता है इस बारे में। जी सर, जी सर। यहां मैं अगर अपना पेज खोलता हूं लेके आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जी रोशन जी, प्लीज इनकॉग्निटो मोड में अपनी वेबसाइट को चेक कीजिए सर। यहाँ पे भी कर सकते हैं सर, ऊपर बस हेडर दिखाई देगा, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैं बोलता हूँ कि कस्टमर की तरह वेबसाइट देखे तो ज्यादा समझ में आता है। सर क्या हो गया? चलिए वैसे आपका सर फ्रंट पेज बन चुका है। रोशन जी कुछ इश्यू है सर? हाँ सर खुल नहीं रहा है। रोशन जी ऊपर का मेन्यू अभी बनाया नहीं है आपने? नहीं मेन्यू बना ही नहीं पाया मैं, मेन्यू उसमें ऐड ही नहीं हो रहा है हेडर में। वो भी सब पूछना था आपसे सर, स्क्रीन शेयर को ऑफ हेडर कैसे, मेन्यू कैसे है? स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए, शायद हो सकता है कि उसकी वजह से आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा हो। आप दोनों ने मेरे को सेंड कर दिया है अपनी डिटेल्स? जी सर। अजीत जी जो हमने बात की थी प्रोडक्ट फोटोग्राफी की, कुछ फायदा मिला उससे, कुछ आइडिया लगा? सर वो जो भेजा था आपने वो मेरे लिए बहुत छोटा है सर। आपके प्रोडक्ट बड़े हैं सर? छोटे से लेके बड़े तक है सर। सर तो आपको करना क्या होगा, एक व्हाइट कलर का चादर ले आइए। वही हाँ सर वही करना पड़ेगा। नहीं तो एक व्हाइट कलर की शीट अमेज़न पे देखिए सर, फोटोग्राफी व्हाइट शीट, और उसके सामने सर कुछ ट्यूबलाइट नहीं तो एक एलईडी बल्ब लगा दीजिए जिससे रोशनी काफी अच्छी हो उस पे। जी सर। सर मोबाइल से काम हो जाएगा सर? सर मोबाइल से देखिए अगर फोटोशूट करना है काम मोबाइल से भी हो जाएगा, लेकिन जो इमेज की क्वालिटी होगी उस क्वालिटी को आप इम्प्रूव तो नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन मतलब काम चला सकते हैं सर आप, क्योंकि अगर बड़े प्रोडक्ट हैं तो बड़े प्रोडक्ट के लिए शूट के लिए तो सर हल्का सा चाहिए सर थोड़ा इंक्रीज क्वालिटी कैमरा की। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं अजीत जी, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत जी आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड मुझे दिया है, सॉरी एक मिनट मैं रोहित जी का देख लूँ पहले। रोहित आपने जो यूजर नेम पासवर्ड मुझे दिया है वो काम नहीं कर रहा है सर मेरा। रोहित सिंह प्लीज कंसल्ट दिस आईडी। तो क्या आपने आईडी बाद में चेंज कर दी है क्या सर? रोहित आपके लिए ठीक है, रोहित मैं लॉग इन हो चुका हूँ। रोशन जी हो गया है फ्रंट पेज आपका? नहीं सर वो तो नहीं दिखा रहा। सर मेरे एंड पे ओपन हो चुका है आपका फ्रंट पेज, प्लीज रोशन जी की वेबसाइट अगर आप लोग अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज ट्राई कीजिए। जी सर मैं देखता हूँ, देखते हैं सर। फ्रंट पेज उनका एडिट हो चुका है, मतलब वो जो पेज अभी वो लाना चाह रहे थे वो होम पेज आ चुका है, नहीं आ चुका प्लीज कन्फर्म कीजिए।
नहीं सर, मेरे को तो नहीं दिखा रहा सर, आपके पास हो सकता है कैशे का इशू, तो पुराना वाला ही दिखा रहा है। सर नहीं शो कर रहा, वही शो कर रहा है जो पहले शो कर रहा था, जो पहले शो कर रहा था। दो आदमी खड़े हैं। हाँ जी सर, जो रोशन जी सर, बिजनेस कोचिंग कोचिंग सर, हाँ वो पेज नहीं है सर मेरा पेज, हाँ मेरी फोटो है। पेज कौन सा फिर? मेरी फोटो है उसमें सर, मेरे पेज में। ओके, मैं शेयर करके दिखाऊं आपको सर, मैं आपकी पेज दिखाऊं कर लॉगिन कर लेता हूं, यहां से कर लेते हैं सर। हाँ सर, हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भविष्य, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत यंग लग रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं सर, और ये एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी सर, ये न्यू एनर्जी है, ये ना उल्टा ट्रिपल आई है अब तो। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, लाइक भविष्य जी हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं और अभी दोबारा ये ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। अभी तो डिजाइनिंग पे क्लास चल रही है। भविष्य जी ने डीवी के ऊपर बहुत काम किया, मतलब इन्होंने डीवी का मुझे लगता है कि बिल्कुल जग में पानी की तरह भर के पी लिया था, है ना भविष्य जी? तो काफी अच्छा काम किया है। आप अगर हेल्प चाहते हैं तो इनसे जरूर ले सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और आपके लिए भविष्य जी, आपको हिमांशु जी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट सेशन में, इसके बाद जो सेशन चल रहा है उस सेशन में हमारा एडवर्ड्स का क्लास कब से स्टार्ट होगा। वैसे आज मतलब क्लास स्टार्ट हो चुकी है एडवर्ड्स की दोबारा। ओके सर, आप जरूर उसके लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो जब तक हम इधर कर लें एक बार सर, 10 to 11 वाली क्लास मेरे को दी थी उन्होंने, शायद मैं पहले लॉगिन हो गया हूं। हां 10 to 11 वाले में सर आप पहले लॉगिन हो गए हैं, बट कोई बात नहीं सर, वेलकम सर, मेरे सेशन में कभी भी कहीं से भी आ जाइए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बिल्कुल सर। और सर वैसे भी आपसे मेरे को थोड़ी देर के लिए पर्सनली भी बात करनी थी कि थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिले। कोई बात नहीं सर, जरूर। चलिए यहाँ चलते हैं और ये है रोशन जी का स्क्रीन है, यहाँ पर हम चलते हैं। और सबसे पहले रोशन जी, मैं चलता हूँ पेजेस के अंदर एंड लेट मी चेक कि आपका कौन सा पेज है जिसको आप फर्स्ट पेज बनाना चाह रहे हैं। सर होम, होम होम सर, सर ये वाला है होम फ्रंट डीवी। हाँ सर, हाँ सर, एक बार व्यू कर लेते हैं सर इससे। सर ये है पेज आपका होम, ये नहीं है सर, ये नहीं सर, मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन में, आपको अपना पेज दिखाता हूँ। जी बिल्कुल शेयर कीजिए सर। सर ये है मेरा पेज, ये है। ये पेज के साथ में इसमें अबाउट एस भी ऐड हो गया है, ये पेज मेरा यहाँ तक ही होगा कॉन्टैक्ट तक, नीचे में देखिए अबाउट भी आ गया। ये पेज का नाम क्या है? क्योंकि ये मेरे साथ देखिए ऊपर होम में दिखा रहा है, देखिए होम में दिखा रहा है इसका नाम। सर इस पे एडिट पेज पे क्लिक कीजिए, एडिट पेज पे क्लिक कीजिए। क्योंकि आपके पेजेस के अंदर सर वहां पर ऐसा कोई पेज हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं के ऊपर जाता हूं, कार्ड कार्ड वाले में जाएंगे तो कार्ड में भी दिखेगा आपको, कार्ड बोल के एक है इसमें।
आपके इन पे इंटरनेट काफी स्लो है। चलिए आ गया सर, ये मुझे स्क्रीन शेयर दे दीजिए एक बार। एडिट करें सर यहाँ। सर मैं अपने स्क्रीन पे एक बार लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो है आपकी स्क्रीन पे, तो प्रॉब्लम होगी हमें समझने में। यहाँ चलते हैं, इधर देखते हैं इस चीज पे। आपका जो पेज है वो होम नाम से है सर, यहाँ पे जो होम पेज आपका आ रहा है, यहाँ जो होम पेज हमें दिख रहा है वो होम पेज है ये, और अगर मैं इस होम पेज को देखता हूँ तो ये होम पेज वही होम पेज है जो अभी हमें दिख रहा है, ये रहा। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। चलिए अब चलते हैं, गलती कहाँ पे हुई? आपका पेज नहीं है करेक्ट? नहीं सर। हाँ सर, ये पेज नहीं है ना सर? नहीं सर, आपका पेज है ये। तो इसका मतलब वो जो पेज आपने बनाया हुआ है ना सर, वो पेज होम नाम से सेव नहीं है। अब यहाँ पहले हम सर कार्ड बोल के एक पेज है, कार्ड सर यहाँ पे कार्ड डीवी ये सर ये पेज है, ये पेज है सर। हाँ सर। चलिए मतलब इसका मतलब जो कार्ट वाला पेज है वो उसको आप फर्स्ट पेज बनाना चाहते हैं करेक्ट है सर? हाँ सर, लेकिन ये पेज बहुत बड़ा है, देखिए इसके नीचे सर, जब मैंने डीवी में जाके किया ना उसको सर, छोटा हो जाएगा सर, नीचे से एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए काम हो जाएगा। नहीं सर, जब डीवी से जाके लाइब्रेरी में जब ऐड करने जाते हैं ना तो वहाँ पे तीन ऑप्शन देता है ना, फुटर बॉडी और हेडर, तो वो तीनों को मैंने ऑन कर दिया, तीनों में वो ले लिया सर। नहीं तीनों को नहीं, तो उसके कारण सर उसमें एक ही करना है ना सर जी, एक ही करेंगे तो एक ही पेज होगा जी। आपने क्योंकि डीवी बिल्डर से तक आपने बीच में बॉडी लेके आनी है ना, सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया ना सर कि कार्ट वाला पेज लगाएंगे तो काम हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, सेटिंग में चलते हैं। लेकिन कार्ट को जब मैं हाँ रीडिंग में जब जाकर करता हूँ तो तब भी कार्ट वाला पेज में वो आता नहीं है। अभी देख लेते हैं सर, होम पेज हमने कार्ट यहाँ पे लगाया एंड सेव किया। लेकिन सर नहीं आया, वही पेज आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर, हो सकता है पेजेस में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सेटिंग में ऐसा कुछ आपने पेज सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दी होगी, तो इसमें हम एक काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ये हेडर फुटर ये सब लगाते हैं ना तो वो पेज, ये कार्ट वाला पेज है सर, ये वाला इसको करिए एडिट वाला में, तो एडिट से जाएंगे ना एक बार सर, तो जो ऑप्शंस आते हैं ना वहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो गया लग रहा है सर। आई विल सजेस्ट यू कि इस पेज को आप डिलीट करके दोबारा बनाएं सर। अब डिलीट कर दें जी सर, जरूरी है डिलीट करना। कितने पेजेस? ठीक है सर, कितना क्या होगा? क्योंकि सर हो सकता है आपने पेज बनाते टाइम कुछ पेज की फॉर्मेटिंग में चेंज किया होगा जिसकी वजह से होम पेज रीड नहीं कर पा रहा। अरे वो डीवी वाले उसमें जाइए ना अंदर में, जहाँ से हम लोग लेआउट लेते हैं जी, वहाँ पे कुछ गलत है मेरे से, कुछ गड़बड़ हो गई है। एडिट थीम बिल्डर? हाँ हाँ सर। ये आपने थीम बिल्डर पे क्यों बनाया है सर? अभी तो नॉर्मल आपको पेज पे बनाना था, थीम बिल्डर पे क्यों किया आपने थर्ड वाले पे? ये बार बार यही ऑप्शन आता है ना घूम के, उसके बिना होता ही नहीं है सर। नहीं ऐसा नहीं है, आप इस पे भी ग्लोबल हेडर, ये देखिए ये सर ये सब बना दिया मैंने सर, ये नहीं बनाना अभी, ये नहीं बनाना है बिल्कुल भी।
आपको सिंपल सर यहाँ पे ग्लोबल हेडर इन सबको हटा दीजिए सर, इन सबको हटा दीजिए रोशन जी, और ब्लैंक से काम स्टार्ट कीजिए सर। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं कीजिए इसको। थीम कहाँ से लेंगे सर? थीम कैसे लेंगे? डीवी की थीम, डीवी की थीम कैसे लेंगे सर? इस सबको डीवी की थीम कैसे लेंगे? इन सब हाँ हटा दीजिए सर, हाँ हटा दीजिए सर। मैंने इसके पहले एक थीम और ली थी, वो डीवी में नहीं थी, फिर बाद में मैंने टीवी में जाके लाइब्रेरी में किया। इसको यहाँ से सबको हटा देते हैं एंड सेव चेंजेस कर देते हैं, और मैं यहाँ पर एक न्यू पे जाता हूँ और पेज पे जाता हूँ सर, न्यू एंड पेज। इसको भी बंद कर देते हैं सर, ये भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, लेट सपोज होम वन एंड यूज डीबी बिल्डर। ठीक है रोशन जी? आप जो भी पेज बना रहे हैं, आप जो भी पेज पे काम कर रहे हैं, उस पेज के लिए आपको कोई ना कोई थीम चूज करनी जरूरी है, या फिर आप स्क्रैच लेवल से डिसाइड कर सकते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, ब्राउज लेआउट, और ये सारी थीम्स हैं यहाँ पे। इस थीम में से कोई भी थीम आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा स्लो हो सकता है अगर आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो। जी जी सर, हमारा लॉगिन कब होगा डीबी में? सर अभी हो जाएगा, आप लगभग हाफ एन आवर नहीं तो वन आवर वेट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं थीम को मेल कर दिया है यहाँ पे सर। रोशन जी कौन सी थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ है? बिजनेस, बिजनेस कोचिंग नीचे है सर, वही सेम थीम है। ये बिजनेस कंसल्टेंट, ये वाली ये नहीं, ये नहीं, इसके बाद और एक है, ये वाली नहीं, इसके बाद वाली। सर्च का ऑप्शन नहीं आता है ये वाली सर, सर्च का बिजनेस कोचिंग बोल के सर। कौन सी है सर? बिजनेस कोचिंग बोल के है, कंसल्टेंसी बोल के। सर उस लड़के की फोटो बनी हुई है उसमें। नहीं वो तो मुझे भरोसा है सर पूरा, लेकिन यहाँ अभी दिख नहीं रहा है। काम करते हैं सर, जाते हैं। I'm scrolling down, please बताइएगा सर। ये नहीं है ना? नहीं सर। बिजनेस कोचिंग करके चला गया। कहाँ है सर? ऊपर ऊपर तो नहीं है। सर बिजनेस के, बिजनेस करके करिए ना, सर्च मारी नहीं आ जाएगा वो। सर वहां से तो आ नहीं रहा है, एक बार यहां ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज मैं आपको कोई भी थीम इंस्टॉल करके दिखा दूंगा एंड देन यू कैन सर्च योर टॉप। हां सर,
मैं काम करता हूं सर, ये बिजनेस कंसल्टेंट वाली टीम है ना सर, इसमें सर्च और क्यों नहीं है सर? अगर यहां पे आप जाएंगे ना, ये यहां पे सर क्या है, बिजनेस, ये बिजनेस कोच, ये वाला है, ये रहा, ये वाला है, ये वाला है सर, इट्स अबाउट पेज है इसका सर, ये होम पेज, ये रहा ना होम पेज, हां होम पेज। चलिए ये यहां पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यूज दिस लेआउट, रख दो रख दो, दीदी को बुला और निकाल लिया, वो हम आगे से लाएंगे ही नहीं, हम लाएंगे नहीं। ये देखिए रोशन जी, ये पूरी थीम आ गई आपके पास, देखिए नहीं। हाँ सर, सर हो गया, ये होम पेज आ गया सर, ये होम पेज आ गया। अब आप इस होम पेज पे एडिट करेंगे, जब ये हो जाएगा नया पेज बनाएंगे, नई थीम डाउनलोड करेंगे, गॉट इट? नया लूंगा सर, मैंने दूसरा वो ले लूंगा सर, दूसरा पेज सेलेक्ट कर लूंगा, इसी थीम वाला सेक्शन ले लेंगे, कांटेक्ट वाला सेक्शन ले लेंगे, क्लियर है सर? हां सर अभी क्लियर है, हेडर फुटर अभी नहीं बनाना, ओके सर, क्लियर है, ठीक है सर, हां सर, ठीक है। चलिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूं सर, स्क्रीन शेयर को मैं ऑफ कर रहा हूं, हां, बाकी आप लोगों का अकाउंट जल्दी रेडी हो जाएगा और मुस्कुराते रहिए, कल जल्दी दोबारा मिलेंगे, थैंक यू सर, गुड नाइट एंड जय हिंद सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर, गुड नाइट।